तो दोस्तों फाइनली Realme ने अपना ब्रांड न्यू फोन Realme U1 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी फोन के बारे में कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं टेक चिक। दोस्तों ये जो फोन है ये काफी खास होने वाला है क्योंकि इस फोन के बारे में काफी ज्यादा बात की जा रही है। Realme ने इस साल बैक टू बैक एक से एक बढ़ के एक मॉडल इंडिया में लॉन्च किए हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे मॉडल इन्होंने लॉन्च किए जिसमें U1 इनकी ये फर्स्ट सीरीज है। इस U1 सीरीज में ये पहला मॉडल है। दोस्तों ये मॉडल बहुत ही खास है क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी कुछ खास बनाती है इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों मैं इस फ़ोन के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ, शायद आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों इस फोन में जो मेन खास बात है वो इसका कैमरा है। इस फोन का जो कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल AI कैमरा है जो कि बहुत ही खास है। और इसमें जो फोन की नॉच डिस्प्ले दी गई है वो वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। दोस्तों इसकी डिस्प्ले की साइज है वो 6.3 इंच है, एक फुल HD डिस्प्ले है। इसमें जो कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है जो कि सोनी IMX576 सेंसर के साथ है। और जो आपको रियर कैमरा मिलेगा वो आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा मिलेगा। अगर हम आपको इसकी मेन जो खास बात है इसके प्रोसेसर की बात हो रही है, क्योंकि जो MediaTek का प्रोसेसर है Helio P70 वो वर्ल्ड में पहली बार इस फोन के अंदर यूज किया गया है जो इस फोन को सबसे ज़्यादा खास बताता है। अगर हम इसके फ़ोन की सिम की बात करें तो दोस्तों इसमें डुअल नैनो सिम आपको मिल जाएगी, प्लस अगर आप मेमोरी कार्ड भी यूज करते हैं तो 256 GB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। और भी दोस्तों इसकी बहुत सारी खास बात है। अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आपको ये फ़ोन मिलेगा अमेजोन पर, जो कि इसकी फर्स्ट सेल है वो 5 दिसंबर से शुरू होगी। अगर इसके फ़ोन के कलर की बात करें तो इसमें 3 कलर आपको देखने को मिलेंगे। पहला कलर आपको ब्लैक मिलेगा, सेकंड आपको ब्लू मिलेगा, थर्ड आपको गोल्ड मिलेगा। अगर इसकी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन में अगर आप मेमोरी पे जाते हैं तो इसके 2 वेरिएंट आ रहे हैं। फर्स्ट वेरिएंट इसका 3 GB में है, सेकेंड वेरियंट 4 GB प्लस 64 GB में है। जो फर्स्ट वेरियंट 3 GB रैम प्लस 32 GB मेमोरी के साथ है वो फ़ोन आपको 11,999 मिलेगा। सेकेंड फ़ोन 4 GB रैम है जिसकी 64 GB मेमोरी इंटरनल मेमोरी है वो आपको फ़ोन 14,000 फ़ोन आपको अमेजोन पर ही मिलेंगे। और इसकी और भी बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों, मैं आपको एक एक इसका जो भी स्पेसिफिकेशन मैं आपको सारी कुछ बताऊंगा। दोस्तों अगर हम इस फ़ोन की साइज के बारे में हम बात करें तो इसकी विड्थ है वो 74 mm है, हाइट 157 mm है, डेप्थ 8 mm है। वेट काफ़ी लाइट वेट है, ज़्यादा कुछ वेट नहीं है। विद बैटरी के साथ 168 ग्राम का ये फ़ोन है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इसमें जो CPU यूज किया गया है वो 2.1 GHz का किया गया है, और प्रोसेसर MediaTek का Helio P70 यूज किया है जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इस फोन में यूज किया गया है। और स्टोरेज में आपको 3 GB रैम प्लस 32 GB मेमोरी, सेकंड वेरिएंट आपको 4 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको ये फ़ोन मिलेगा। एक्सटर्नल में आप अगर माइक्रो USB कार्ड इसमें यूज करना चाहते हैं तो वो आपको 256 GB तक आप यूज कर सकते हैं। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये डिस्प्ले आपको 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। अगर कैमरा की बात करें दोस्तों तो कैमरा में पिक्सल में इसका जो रियर कैमरा रहेगा वो आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कम लेगा, और आप फ्रंट कैमरा जो रहेगा वो आपका सोनी सेंसर के साथ 25 मेगापिक्सल का रहेगा। और जो आपका फ्लैश रहेगा वो LED फ्लैश में आपको ये कैमरा मिलेगा। अगर दोस्तों अगर हम इस फ़ोन में बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको 3500 mAh की बैटरी मिलेगी। तो दोस्तों ये फ़ोन है जो सबसे ज़्यादा खास उन लोगों के लिए होने वाला है जो सेल्फ़ी खींचने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर आपको सेल्फ़ी लेनी है तो ये सबसे अच्छा फ़ोन अभी तक का है, क्योंकि आपको इसमें सेल्फ़ी वाला 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है जो कि आप डायरेक्ट सेल्फ़ी लेंगे बहुत कुछ खास इसमें सेल्फ़ी आएगी, वो भी क्लियर सेल्फ़ी आएगी। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस में जाएँ तो दोस्तों इसमें ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं कि MediaTek का Helio P70 जो प्रोसेसर है वो यूज किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इस फ़ोन के अंदर यूज किया गया है।
ये फोन टोटल फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छा होने वाला है। जब आप फ्रंट से आप इसकी फोटो क्लिक करते हैं, अगर आप इसमें गेम खेलेंगे तो गेम के लिए ऑलमोस्ट ये फोन बहुत ही अच्छा है। आप इसमें गेम की परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप अभी मूड बना रहे हैं कि आपको कोई फ़ोन नया लेना है, वो भी बजट रेंज में, तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा फ़ोन इसलिए होने वाला है क्योंकि कम बजट में आपको सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर आपको फर्स्ट टाइम इसमें मिल जाएगा। लेकिन इसकी डिज़ाइन वाइज ये बहुत अच्छा फ़ोन है। कलर वाइज आपको 3 कलर इसमें मिल रहे हैं, जो ज़्यादातर यूथ पसंद करती है, वो आपका ब्लू, ब्लैक और प्लस गोल्ड है। ये तीनों कलर भी मिल रहे हैं और फ़ोन की जो साइज़ है वो भी बहुत कुछ अच्छी है। तो अगर आप फ़ोन लेने का मूड बना रहे हैं तो ये अमेजोन पर आपको 5 दिसंबर में अवेलेबल हो जाएगा। इसकी जो फर्स्ट सेल वो 5 दिसंबर से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही कुछ खास नया फ़ोन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कुछ फ़ोन नया लेने के लिए, तो आपको ये फ़ोन ज़रूर लेना चाहिए। और पहले आप इसका पूरा देख लें, स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लें, उसके बाद ही खरीदें। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन बहुत कुछ खास धूम मचाने वाला है मार्केट में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि आपको अगर कोई डाउट है आपको इस फ़ोन के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा।